हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के सोजत उपखंड के सरदार समत गांव से आए ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा किए गए गबन के दोषी लोगों को सजा दिलवाने की मांग की। सरदार समत गांव के भंवर चौधरी के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि सरदार समत गांव के पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक में करवाए गए विकास कार्य में लाखों रुपए का गबन किया था, जिसकी शिकायत पंचायत राज विभाग के साथ ACB में भी दर्ज करवाई थी, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी जिला परिषद दोषी अधिकारियों पर पूर्व सरपंच को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरदार सुमन पंचायत समिति सोजत में पिछले पूर्व के कार्यकाल में पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक ने लाखों रुपये का गबन किया, उसकी मैंने रिपोर्ट जिला परिषद को ACB को दी। ACB ने ग्राम सेवक सरपंच JN प्रदीप कुमार इनोनिया सबको दोषी माना, लेकिन जिला परिषद इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है, न तो 3 साल से जांच कर रही है और न ACB द्वारा मांगी गई PS जारी कर रही है, और अपने जिला प्रमुख ACO उदय बान जी चारण कार्यकारी अधिकारी रहे हुए हैं, उन्होंने मिलके स्थापना समिति में डिसीजन भी लिया और उनको बचाने के लिए, और आज तक कोई न तो जांच कर रहे हैं न जो PS जारी कर रहे हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री के बारे में आपने क्या कहना, आपने पोस्टर लगाया? कौन केंद्रीय राज्य मंत्री? हाँ, BP चौधरी नहीं है जी, PR चौधरी। पाली से जागरूक TV की रिपोर्ट।